अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर कमर जावेद बाजवा आपसे मुखातिब होकर बात करना चाहती थी। मैं बहुत ही बेबस होकर ये आपको वीडियो पैगाम भेजती हूँ। सर, 17 जनवरी पे मेहड़ में एक वाकया हुआ था, उसमें मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर हुआ था, जो कि पीपल्स पार्टी के MP सरदार चांडियो ने कराया है। सर, मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप हमारे लिए एक्शन उठाएं। आप कौम के मुहाफिज हैं, आप हमारे मुहाफिज हैं, आप हम बेटियों की इज्जतों के मुहाफिज हैं। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे चाचू के खून के साथ इंसाफ किया जाए। ये वडेरे बहुत जालिम हैं। सर, आप जानते हैं कि मैं लड़की हूँ, अभी मेरी इज्जत भी महफूज नहीं है और हम सरदारी निज़ाम के खिलाफ उठे हैं, तो आप जान सकते हैं कि ये वडेरे बहुत जालिम होते हैं। इन्हें सबकी सपोर्ट है, सब कह रहे हैं ये बात सर है, हमने FIR में इनके नाम दिलाए थे, वो भी केस से निकाल दिए गए हैं, अभी हमने चैलेंज किया है। तो सर, मेरी बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रही हूँ कि आप तक ये मेरा पैगाम पहुँचेगा और आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। सर, मैं इस कौम की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आप सबकी बेटी हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ और सर मैं प्रोटेक्शन चाहती हूँ। हमें प्रोटेक्शन भी नहीं दी गई और अभी हमें भी इनसे खतरा है, हमारी जान को खतरा है। तो आप सबका काम है कि हमें प्रोटेक्शन दें, आप हमें इंसाफ दिलाएं। सर, मैं बार बार आपसे अपील करूंगी कि मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे चाचू के खून के साथ इंसाफ किया जाए।